हेलो दोस्तों मैं हूं देवांश एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज़ पे ऑफ ग्राफ पे ऑफ ग्राफ क्या होता है पे ऑफ ग्राफ को एनालाइज़ कैसे करते हैं एंड एनालाइज़ करने के बाद से ट्रेड कैसे लेते हैं तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है तो बिना टाइम आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो अभी जो है हम समझते हैं कि आपको पे ऑफ ग्राफ देखने की जरूरत कब पड़ती है तो आपको पे ऑफ ग्राफ तब देखना पड़ता है जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो हैज पोजीशन के साथ में आपने ऑप्शन सेल कर दिया है एंड एक पोजीशन को हैज किया है, तो वहाँ पे आपको पे ऑफ ग्राफ देखने की जरूरत पड़ेगी इसके साथ साथ आपने इस स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो जैसे आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाया है बुल पुट स्प्रेड बनाया है स्ट्रेडल बनाया है तो वहाँ पे जो है आपको पे ऑफ ग्राफ देखने की जरूरत पड़ेगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो है मैक्स जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे होगा एंड मार्केट मार्केट जो है वो कहां से जब या तो ऊपर जाने लगेगी एंड कहां से ज्यादा नीचे जाने लगेगी तो आपका लॉस बढ़ते चला जाएगा ठीक है तो तब आपको पे ऑफ ग्राफ देखने की जरूरत पड़ती है तो पे ऑफ ग्राफ देखने के लिए हम ऑप्शन ट्रेडर बाई धन ऐप का यूज करने वाले हैं तो ऑप्शन ट्रेडर हम जो धन की तरफ से ऐप है इसे ओपन कर लेंगे एंड यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो वहां पर आप पे ऑफ ग्राफ देख सकते हो एंड स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हम आइडिया सेक्शन में जाएंगे आउटलुक से भी आप पे ऑफ ग्राफ देख सकते हो तो हम स्टेटेजी से पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो सपोज हमें जो है यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है ठीक है शॉर्ट स्ट्रेडल पे हम दबाएंगे एंड बैंक निफ्टी में हमें शॉर्ट जो है शॉर्ट स्ट्रेडल करना है तो और 4 अगस्त की एक्सपायरी अब आर ट्वेंटी एट जुलाई आज एक्सपायरी ऑलमोस्ट हो, अल, हो गई तो 4 अगस्त के जुलाई में हम शॉर्ट स्ट्रेडल देखेंगे तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रेडल ठीक है एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ठीक है एंड इसमें जो है इसे ओपन करके एनालाइज ट्रेड पर दबाएंगे तो यहाँ पर एनालाइज दिखा रहा है एंड पे ऑफ यहाँ पे है ठीक है पे ऑफ ग्राफ यही है ठीक है अब यहाँ पे आप इसको किस तरीके से समझोगे आप किसी भी ऐप में देखते हो तो इसी तरीके से पे ऑफ ग्राफ आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे जो है अगली एक्सपायरी ठीक है अगर थर्टी सेवन थाउजेंड पर होती है ठीक है मतलब थर्टी सेवन थाउजेंड के आसपास मार्केट एक्सपायर होता है तो आपका यहाँ पे एटीन थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट होगा एक लॉट के साथ में एटीन थाउजेंड रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है सिर्फ एक लॉट के साथ में ठीक मार्केट वहां से अगर थोड़ी और आ, मतलब और ऊपर की तरफ बढ़ते गए थर्टी सेवन थाउजेंड से थोड़ी ऊपर एक्सपायर थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड यहाँ पर थर्टीन थाउजेंड का प्रॉफिट होगा मतलब मार्केट जितना ऊपर जाएगी आपका प्रॉफिट धीरे धीरे उतना कम होते जाएगा एंड सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा थर्टी सेवन थाउजेंड पर ठीक है अगर मार्केट थर्टी एट थाउजेंड पर एक्सपायर होती है एक्सपायर थर्टी एट थाउजें पर होती है तो आपको वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री रुपीज का प्रॉफिट होगा ठीक है अब उसके अगर और नहीं ऊपर जाने लगे मार्केट तो यहाँ पे दस हजार का लॉस होगा अभी अट्ठाईस हज़ार का तीस हज़ार चालीस हज़ार ऐसे लॉस बढ़ते जाएगा ठीक है एंड वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे मार्केट नीचे गई ठीक है तो थर्टी सेवन थाउजेंड पर मैक्स प्रॉफिट हो रहा था अब यहाँ पे थर्टी सिक्स थाउजेंड पर आपको ब्रेक इवन पे आओगे मतलब थर्टी सिक्स थाउजेंड पे अगर मार्केट एक्सपायर होती है तभी भी आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है ठीक है तो मतलब अगर तीन व्यू है अभी आपने जो शॉर्ट शेड्यूल बना लिया ठीक थर्टे अभी मार्केट सपोज कर लो थर्टी सेवन थाउजेंड पर ठीक है तो थर्ट सेवन थाउजेंड पर अगर मार्केट यहीं एक्सपायर होगी तो हमें जो है फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड का यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखा रहा था कितने का दिखा रहा था प्रॉफिट यहाँ पे सिक्सटीन थाउजेंड का मतलब प्रॉफिट दिखा रहा था सिक्सटी थाउजंड का हमें प्रॉफिट होगा मार्केट थर्टी सेवन थाउजेंड पर एक्सपायर हुई मार्केट जो है अगर थर्टी सिक्स थाउजंड पर एक्सपायर हुई तो आपका कोई को लॉस नहीं होने वाला है थर्टी एट थाउजेंड पर भी एक्सपायर हुई तो कोई लॉस नहीं होने वाला है तो ये स्टडी से देख रहे हो कितनी अच्छी है तो और उसके नीचे अगर जब हम बढ़ते जाएंगे ठीक है तो हमारा लॉस बढ़ता जाएगा अगर थर्ट सिक्स थाउजेंड पर पहुँच गई तो थर्टीन थाउजेंड का लॉस होगा थर्टी फाइव थाउजें पहुँच गई तो थर्टी फोर्टी थाउजेंड का लॉस होगा ठीक है तो इस तरीके से आप पे ऑफ ग्राफ एनालाइज करते हैं ठीक है, है? आ, ये जो दो रेड लाइन है ये ब्रेक इवन पॉइंट है कहां पे आपका मतलब आ, नो लॉस नो प्रॉफिट पर ये रेड वाली लाइन आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताएगी जैसे पे हमारा थर्टी सिक्स थाउजेंड का एंड थर्टी एट थाउजेंड का ब्रेक इवन पॉइंट है मैक्स प्रॉफिट कहां पे है थर्टी सेवन थाउजेंड पे मैक्स प्रॉफिट है तो इस तरीके से आप पे ऑफ ग्राफ को एनालाइज करते हो एंड यहाँ पे मार्जिन वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड लगने वाली है मतलब ये थोड़ी इस ट्रेड में सेफ्टी थोड़ी ज्यादा है प्रॉफिट भी ज्यादा है तो यार बहुत अच्छा है यार अगर आप डेढ़ लाख रुपये लगा के एंड उसका 10% रिटर्न जनरेट कर रहा हो तो बहुत मस्त हो जाता है ठीक है इसी तरीके से आप दूसरे स्ट्रेटजीज़ के सेक्शन में ही आप जाके एंड बुल कॉल स्प्रेड बनाओगे तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में 4 अगस्त की एक्सपायरी करोगे तो अगर आप लॉन्ग स्ट्रेडल बनाते हो तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे एनालाइज रेड पर दबाओगे ट तो अगर थर्टी सेवन थाउजेंड पर एक्सपायर होती है, तो है ठीक है, है, तो है और यहाँ पर दोनों साइड में ब्रेक इवन पॉइंट है और मार्केट उससे ऊपर जितना जाते रहेगी आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा मार्केट अगर थर्टी नाइन थाउजेंड एक्सपायर होती है तो आपका थर्टी थाउजेंड प्रॉफिट होगा और नीचे के साइड भी सेम है मतलब यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन नीचे साइड में थर्टी है उसके ऊपर मार्केट जितना गई थर्टी सिक्स थाउजेंड तो आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा तो ये जो डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज़ होती हैं ये काफ़ी कमाल की होती हैं अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है एंड मार्केट आप बस प्रिडिक्ट करो कि अगले हफ़्ते की एक्सपायरी कहाँ पर हो सकती है एंड उस हिसाब से अपना जो है आप यहाँ से धन ऐप की स्ट्रेटेजी सेक्शन से आप ट्रेड ले सकते हैं एंड पे ऑफ ग्राफ को एनालाइज करके आप अपना ट्रेड कर सकते हैं तो ये जो पे ऑफ ग्राफ वाला फीचर है काफ़ी कमाल का फीचर है इस वीडियो मैंने आपको समझा दिया है कि पे ऑफ ग्राफ को कैसे समझते हैं कैसे एनालाइज करते हैं ये वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आपको अगर ट्रेडिंग करनी करिए तो धन ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी अवेलेबल कंटेंट में तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ